हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, यानी कि एक रेशनल नंबर है जिसमें 5/2 हमें मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो उसका प्रोडक्ट आएगा किसका, जिस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिलेगा उसमें हमें 2/3 को ऐड करना पड़ेगा एंड यू गेट -7/12, यानी कि और आपका लास्ट आंसर आना चाहिए -7/12। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है आपको ये बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हमने अज्यूम किया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है उसको हम लगाते हैं। कंडीशन क्या बोल रही है कि x में सबसे पहले आपको 5/2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया, इसके बाद में आपको 2/3 से ऐड करना है। तो हमने ऐड भी किया, इक्वल आपके पास आना चाहिए -7/12। तो हमने -7/12 कर दिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें मिला यहाँ पर 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल -7/12। 2/3 का हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा -7/12 -2/3। 12 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम 12 -7। अब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, 12 बन जाता है। तो माइनस के 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, 3 4 जा 12, तो माइनस की 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमें मिला -7 बन जा 7, -2 4 जा 8 डिवाइड बाय 12, यानी कि -7 और -8 को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -15/12। 5x/2 इक्वल -15/12 मिला। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस 5/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -15/12 टू डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और 5 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। 5 से हमने डिवाइड किया 15 को, 5 3 जा 15। अब 2 को डिवाइड करते हैं हम, 2 6 जा 12, हमें मिला -3/6। अब ध्यान से देखा तो 3 और 6 भी डिविजिबल है, वो भी डिवाइड कर देते हैं, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि x की वैल्यू हमें मिली 1/2, ये हमारा आंसर है। अगर माइनस के 1/2 में 5/2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और 2/3 को प्लस करते हैं तो हमें -7/12 मिलेगा, यानी कि हमारा आंसर x इक्वल -1/2 सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और करने के लिए हमें जगह भी चाहिए, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, लक्ष्मी जो है किसी बैंक के अंदर कैशियर है। She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. उसके पास में जितना भी कैश है उस कैश में उसके पास ₹100, ₹50 और ₹10 के नोट हैं। The ratio of the number of these notes is 2:3:5. और जो ये नोट हैं उसके पास में ₹100, ₹50, ₹10 के उनका जो रेशियो है वो रेशियो है 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh, यानी कि लक्ष्मी के पास में जो total cash है वो 4 lakh rupees है। तो आपको ये बताना है how many notes of each denomination does she have, यानी कि उसके पास में कितने notes, कितने कितने प्रकार के हैं, यानी कि ₹100 के नोट कितने हैं, ₹50 के नोट कितने हैं, ₹10 के नोट कितने हैं, आपको ये बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, हमें नोट्स का रेशियो दे रखा है तो हम नोट्स को ही अज्यूम करते हैं। लेट द नंबर ऑफ रुपीस 100
नोट्स बी 2x। हमने 100 रुपए की नोट्स को क्या अज्यूम किया 2x, क्योंकि हमने रेशो दे रखा है। इसी प्रकार दस द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी 3x, क्योंकि हमें 3 रेशो दे रखा है। एंड द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स बी 5x, क्योंकि हमें 2:3:5 दे रखा था, इसलिए हमने 100 रुपए की नोट्स को 2x माना, 50 रुपीज की नोट्स को 3x माना और 10 रुपीज की नोट्स को 5x माना। अब हमें टोटल कैश दे रखा है, तो हम भी क्या करेंगे, इन नोटों से बनने वाला जो कैश है उसको हमें डेवलप करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं ये मानता हूं कि हमारे पास 100 रुपए के दो नोट है, 100 रुपए के दो नोट है, तो टोटल पैसा कितना है आपके पास में, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 200, यानी कि आपके पास में 200 रुपीज है। तो उसी तरीके से इन जो डिनोमिनेशन है 100 रुपीज 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स का, इसको भी हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखते हैं टोटल मनी ऑफ रुपीज 100 नोट्स विल बी, नोट 100 के हैं इसलिए 100 मल्टीप्लाई 2x यानी कि 200x रुपीज, यानी कि 100 रुपए की नोटों से जो मेरे पास पैसा बनेगा, जो रुपए बनेगा वो बनेगा 200x रुपीज। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपए के नोट है, कितने नोट है 500 रुपए के आपके पास नोट है, तो आपके पास टोटल पैसा कितना होगा 100 × 5 यानी कि 500 रुपए हुए। वैसे ही मैंने यहाँ किया है कि हमारे लक्ष्मी के पास में 2x 100 रुपीज की नोट है, तो उसके पास में 100 रुपए की नोट से कितना पैसा, कितना रुपया बना, 100 × 2x = 2x रुपीज। x की वैल्यू निकालेंगे तो 200x आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स आ जाएगा, तो कितना पैसा बना 100 रुपए के नोट्स का, कितना रुपए बने 100 रुपए के नोट्स का, 200x रुपीज। ऐसे ही 50 रुपीज और 10 रुपीज का भी हम निकाल लेते हैं। टोटल मनी ऑफ रुपीज 50 नोट्स विल बी 50 × 3x दैट इज 150x रुपीज, और ऐसे ही 10 रुपीज की निकाल लेते हैं। टोटल मनी ऑफ रुपीज 10 नोट्स will be 10 × 5x that is 50x रुपीस। अब according to question हमें condition क्या दे रखी है कि 100 रुपए के notes के मिलाकर के total पैसा, 50 रुपए के notes मिलाकर के total पैसा और 10 रुपए के notes मिलाकर के total पैसा equal लक्ष्मी के पास है रुपीस 4 lakh। according to question condition लगाते हैं और लिखते हैं कि 200x रुपीस, 150x रुपीस और 50x रुपीस मिलाकर कि हमारे पास में बना या लक्ष्मी के पास है 4 lakh rupees। इन सबको प्लस करते हैं, 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400, 400x इक्वल रुपीस 4 lakh। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 लाख में 400 का हम डिवाइड देंगे, 2 0 से 2 0 बटा 4 को हमने काटा तो हमारे पास में आया x की वैल्यू 1000। x की वैल्यू 1000 मिली, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकाली, हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। तो 100 रुपीस के नोट्स हमने कितने अज्यूम किए थे 2x, यानी कि 2 × 1000 दैट इज 2000 नोट्स। तो 100 रुपए के नोट्स हमारे पास में है 2000, 50 रुपीज के नोट्स हमने कितना किया था 3x यानी कि 3 × 1000 दैट इज 3000 नोट्स, और 10 रुपीज के नोट्स
कितने थे 5x यानी कि 5 इंटू 1000 दैट इज 5000 नोट्स, ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमें जो रेशियो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के नोट्स को हमने एज्यूम कर लिया कि 100 रुपीस के हैं 2x, 50 रुपीस के हैं 3x और 10 रुपीस के हैं 5x। अब हमने क्या किया, इन नंबर ये जो नोट्स हैं इन नोट्स से हमने टोटल करेंसी को कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 100 रुपए के नोट से मिला 200x रुपीस, 50 रुपीस की नोट से मिला 150x रुपीस और 10 रुपीस की नोट से मिला 50x रुपीस। इन तीनों का सम 4 लाख के इक्वल होगा। यहां से x की वैल्यू को निकाला जो कि आया 1000। अब जो हमने डिनोमिनेशन अज्यूम किया था उसमें x की जगह हमने 1000 रख करके हमने नंबर ऑफ नोट्स निकाल लिया, तो 100 रुपीस की नोट्स आए 2000, 50 रुपीस की नोट्स आए 3000 और 10 रुपीस की नोट्स आए 5000। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीस 300 इन कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन रुपीस 1, रुपीस 2 एंड रुपीस 5। यानी कि मेरे पास टोटल 300 रुपीस के कॉइंस हैं, उन कॉइंस में मेरे पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइंस हैं। द नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीस 5 कॉइंस। यानी कि जो 2 रुपए के कॉइन है वो 5 रुपीस के 5 रुपए के कॉइन से 3 टाइम्स हैं। क्या 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन से 3 टाइम्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस इज 160। यानी कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के तीनों कॉइंस मिलाकर के मेरे पास है 160। तो हाउ मेनी कॉइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। यानी कि मेरे पास 1 रुपीस, 2 रुपीस और 5 रुपीस के कितने कितने कॉइन्स है हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, हमें कंडीशन दे रखी है द नंबर ऑफ 2 रुपीस 2 कॉइन इज 3 टाइम नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन। यानी कि 2 रुपए के कॉइन जो है वो 5 रुपए के कॉइन से 3 टाइम ज्यादा है। ज्यादा कौन है, 2 रुपए के, तो 5 रुपए के कॉइन कम है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ रुपीस 5 कॉइंस बी एक्स। हमने 5 रुपए के कॉइन को एक्स अज्यूम किया, दस द नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइंस बी। अब 2 रुपए के कॉइन कितने टाइम से 3 टाइम, तो यहां पर हम अज्यूम करेंगे 3x। अब 1 रुपए के कॉइन की कोई कंडीशन नहीं है, तो 1 रुपए के कॉइन को हम कैसे अज्यूम करेंगे। टोटल कॉइन आपको दे रखा है, देखिए टोटल कॉइंस आपको दे रखा है 160। अगर टोटल कॉइंस में से मैं 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 रुपए की कॉइन बच जाएगी। तो हम क्या करें, द नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइंस बी 160 माइनस 3x प्लस एक्स, या फिर हम यू भी लिख सकते हैं 160 माइनस 4x। 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन को मैं टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे 1 रुपए के कॉइन आ जाएगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हमें टोटल पैसा रुपीस दे रखा है, तो हमारे जो कॉइन हैं इनको भी रुपीस में मैं कन्वर्ट करूंगा। तो क्या होगा, टोटल मनी ऑफ रुपीस 5 कॉइंस इज, 5 रुपए के कॉइन से कितना पैसा बनेगा मेरे पास, कितने रुपए बनेंगे, 5 रुपए के कॉइन है x मल्टीप्लाई कितने रुपए के, 5 रुपए के, तो हमने लिख दिया इसको 5x रुपीस। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए के 10 कॉइन है तो टोटल मेरे पास में कितने रुपए बनेंगे, 5×10=50 रुपीस बनेगा, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। और टोटल मनी ऑफ रुपीस 2 कॉइंस इज
के पॉइंट कितने हैं 3x, कितने रुपए के 2 रुपीस के, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6x रुपीस। इसी प्रकार 1 रुपए के पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं, टोटल मनी ऑफ रुपीस 1 पॉइंट्स इज 1 रुपीस के पॉइंट कितने हैं 160 माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा 160 माइनस 4x रुपीस। अब मेरे पास 5 रुपए के कॉइन से बने पैसे, 2 रुपए के कॉइन से बने पैसे, 1 रुपए के कॉइन से बने पैसे, मतलब 3 रुपए मेरे पास आ गए हैं। अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगा लें, 5 रुपए से बने रुपए, 2 रुपए के कॉइन से बने रुपए और 1 रुपए के कॉइन से बने रुपए को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल मनी जो कि हमें गिवन है 300 रुपीस। हम सॉल्व करते हैं 5x plus 6x 11x minus 4x plus 160 equal 300। 11x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 7x। 160 का हम क्या करें, ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास में बचा 7x equal 300 minus 160 140। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए 140 में 7 का डिवाइड देंगे तो आएगा हमारे पास में 20, 7 टू जा 14 और 0, x की वैल्यू आती है हमारे पास 20, लेकिन हमें निकालना है नंबर ऑफ 2 रुपीस, 5 रुपीस और 1 रुपीस के पॉइंट। तो 5 रुपीस के पॉइंट है हमारे पास में जो हमने अज्यूम किया था x यानी कि 20 पॉइंट्स, ये तो आगे हमारे पास 5 रुपीस के पॉइंट। 2 रुपीस के पॉइंट्स हमने अज्यूम किए थे कितने, 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 60 कॉइंस हमारे पास में आ गए किसके, 2 रुपीस के। अब 1 रुपीस के पॉइंट हमने क्या लिए थे, 160 माइनस 4x दैट इज 160 माइनस 4 20, 160 माइनस 80 दैट इज 80 कॉइंस। ये तीनों हमारा आंसर है। 5 रुपीस के पॉइंट कितना है 20, 2 रुपीस के पॉइंट कितना है 60 और 1 रुपीस के पॉइंट कितना है 80। अब इसको आप रिवर्स कैलकुलेशन करके आप आंसर आपका चेक कर सकते हो, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 80 कॉइन 1 रुपीस के हैं तो 80 बन जा 80, 1 रुपीस के पॉइंट से कितने रुपए मिले हमें 80, 2 रुपीस के पॉइंट कितने हैं 60 तो 60 रुपीस के पॉइंट से कितना मनी बना 60 2 जा 120, दोनों को मिला के कितना आया 200 और 5 रुपीस के पॉइंट कितने हैं 20, 25 जा 100, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 300 जो कि हमें गिवन था, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज 100, यानी कि एक ऐसे कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें जो ऑर्गेनाइजर है उसने डिसाइड किया कि जीतने वाले को 100 रुपीज मिलेगा, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज 25, और जितने भी पार्टिसिपेंट है जो जीते नहीं है उनको भी 25 रुपीज मिलेगा। द टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज 3000 और उस ऐसे कॉम्पिटिशन के अंदर 3000 रुपीज मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें नंबर ऑफ विनर्स को फाइंड करना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63 और हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे रखे हैं 63, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, हमने विनर्स को कितना अज्यूम किया एक्स। अब दस द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट
देखना हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ विनर्स को अज्यूम किया x, और ऐसे पार्टिसिपेंट जो जीते नहीं है उसको हमने किया 63 माइनस x, यानी कि टोटल पार्टिसिपेंट में से विनर्स को माइनस कर देंगे तो अदर पार्टिसिपेंट आ जाएंगे जो जीते हुए नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या हो रहा है कि विनर पार्टिसिपेंट गेट प्राइस रुपीज 100, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस ऑफ विनर्स 100 इंटू एक्स दैट इज 100 एक्स रुपीज, यानी कि अगर x विनर है और हर एक विनर को 100 रुपए मिल गए तो विनर में कितना पैसा बटा 100x रुपीस। अदर पार्टिसिपेंट प्राइस मनी कितना था रुपीस 25, तो टोटल प्राइस मनी ऑफ पार्टिसिपेंट कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रुपीस, 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1575 और 25x रुपीस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या, विनर को जितना पैसा मिला और अदर पार्टिसिपेंट को जितना पैसा मिला दोनों को मिला करके ऑर्गेनाइजर ने डिस्ट्रीब्यूट किया 3000 रुपीस। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 100x माइनस 25x 75x 1575 का हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हमें मिला 75x इक्वल 3000 में से 1575 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में आएगा 1425, ठीक है 1425। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 1425 में हम 75 का डिवाइड करते हैं तो 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 5 5 5 5 25 15 5 75 होता है, 5 2 10 4 रिमाइंडर और 2 40, 5 8 42 रिमाइंडर 5 25 5 5 25। अब इस 15 से फिर मतलब 5 से 15 हमारा कट रहा है और 5 से ही 285 भी कट रहा है, 5 5 25 3 रिमाइंडर मिलके बना 35, 5 7 35 और 3 से 57 कटता है 19 टाइम्स, यानी कि x आया हमारा 19। और हमसे क्या पूछा था फाइनली, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमने विनर्स कितना अज्यूम किया था x, यानी कि हमारा विनर्स कितने हैं x, यानी कि 19 हमारे इस ऐसे कंपटीशन में विनर्स हमें मिला है, तो ये हमारा आंसर है।